बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी एक सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप देख रहा था, आपने भी शायद कोई इसके मतलब वीडियो या टिकटॉक के ऊपर ये वीडियो देख ली हो। बहरहाल मैं आपके साथ यहाँ पर ये वीडियो भी शेयर कर देता हूँ, और साथ में जो मेरे खासकर आज़ाद काम करने वाले भाई और मजदूर तबका, आप लोगों के लिए, चाहे आप कंपनी में काम कर रखे हैं फिर भी आपके लिए है जी, लाइव एक्सपीरियंस है खुद का, खुद से ये मामला सब देखे हुए हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। पहले आपको मैं ना क्लिप दिखा दूं, उसके बाद आपको एक दो बातें आपके साथ शेयर कर दूं। यकीनन जो मेरे भाई आज़ाद काम करते हैं या मजदूर तबका, चाहे कंपनी मुसस्सा वगैरह कबीर के अंदर काम कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी कारामद होगी। एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ, सऊदीया में अगर आपने मुहाइल और अलवज और अमलज दुब्बा जो तबुक वाली साइड पर आते हैं, यानी कि आप यम्बो से आकर निकल जाए, मदीना यम्बो अलवज अमलज दुब्बा, बाद में तबुक आता है ऊपर, तो आपने अगर भाई यम्बो अलवज अमलज दुब्बा वगैरह में काम नहीं ना किया, या मुहाइल में काम नहीं किया जो खमीस के नीचे है, तो आपने सऊदी अरब में गर्मी नहीं देखी है। जद्दा की गर्मी भी कुछ नहीं है उनके आगे। शायद मैं यहाँ पर आपको क्लिप दिखा रहा हूँ जो कि अलवज से बहुत सी वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर चुका था। अलवज में 3 से 4 माह हम काम भी कर चुके हैं, वहाँ से आपके साथ लाइव कुछ वीडियो शेयर कर, तो समुद्र के ऊपर है बिल्कुल। तो बहरहाल आपको पहले क्लिप यहाँ पर दिखा दूँ, फिर आपके साथ एक दो बातें शेयर कर देता हूँ। जी, तो क्लिप आपने सुन ली है, ये भाई जद्दा एंड मक्का रोड के ऊपर, यानी कि जद्दा और मक्का में ये वाकया, यानी कि जद्दा टू मक्का जाते हुए रोड के ऊपर ये वाकया पेश है। बेसिकली जद्दा में ही वाकया पेश है। गाड़ियों के इंजन, यानी कि कुल्लू वो बोलता है, ये तमाम गाड़ियां गर्म हो चुकी हैं, और गर्मी की वजह से इतनी ज्यादा गर्मी थी आज जद्दा एंड मक्का में। जो चीज़ आपके साथ क्लियर करना चाहता था तमाम आज़ाद एंड मजदूर तबका अफराद के लिए, वो ये है जी, लेबर अफराद के लिए, वो ये है कि 12 बजे से 3 बजे तक मकतबे अमल की तरफ से भाई कानून नाफज कर दिया जाता है 15 तारीख से 9 तारीख तक, कि कोई भी बंदा अगर 12 बजे से 3 बजे तक काम करता हुआ पकड़ा गया तो 3,000 रियाल का फाइन है। खुद से हमारे खुद से बंदे पकड़े गए, और वो उस बंदे ने इकामे भी ले लिए, और उसी इकामे के ऊपर 3,000 रियाल का फाइन आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है जी, ये आपको क्लियर कर दूं मैं, कि वो कंपनी के नाम पर जाएगा, नहीं, वो आपके इकामे के, आपके नाम के ऊपर फाइन होगा। एहतियात कीजिएगा, अगर कंपनी की मुसस्सा वगैरह भी अगर आपको उस टाइम काम का बोलता है तो माजरत कीजिएगा। हाँ, बिल्डिंग लाइन के अंदर आप लगे हुए हैं वो एक अलग से मामला होगा। अलवज में हमने खुद से ये लाइव एक्सपीरियंस देखा, और हमारे 8-10 बंदे पकड़े भी गए। बहरहाल जो भी भारत बाद में सूरत रही वो तो अलग से मामला है, लेकिन मकतबे अमल काफ़ी सख्ती से अख्तियार किए हुए हैं इस मामले के ऊपर।